हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है पाइथन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि सेटअप इंस्टॉल करने के बाद पाइथन का तो चार फाइल बनेंगी, तो उन चार फाइलों में से हम पाइथन IDLE पर वर्क करेंगे, जो कि पाइथन की सेल है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो पाइथन की सेल है, ये एक्चुअली है क्या। ये एक पाइथन की जो सेल है, ये एक आउटपुट स्क्रीन है जिस पर हमारा आउटपुट दिखेगा। जो हम प्रोग्राम बनाएंगे इस पर हमारा आउटपुट दिखेगा। और बेसिकली ये एक कैलकुलेटर है, जैसे हम इस पर प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। ये पाइथन की सेल एक कैलकुलेटर की तरह भी वर्क करती है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये मैं प्लस कर रहा हूँ, 2 + 2, ये देखिए आंसर आ चुका है 4। हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम, जो हम कैलकुलेटर पर कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक तरह का कैलकुलेटर है पाइथन का सेल जो है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे 4 आंसर आ गया, अब मैं 3 4 नंबर को जोड़ता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ। जैसे अगर देख रहे हैं, बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह ही वर्क कर रहा है एकदम। अब मैं जैसे डिवाइड करके दिखा रहा हूँ, देखो आंसर एकदम करेक्ट आ जा आया है। हम जो बेसिकली जो वर्क करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, वो इस पर नहीं बनाएंगे। हम फाइल पे क्लिक करेंगे और न्यू फाइल पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद न्यू फाइल बन जाएगी, तो हम जो प्रोग्राम बनाएंगे वो इस पर बनाएंगे। अभी तो बेसिक है, इसलिए मैं सारे प्रोग्राम इसी पर ही बनवाऊंगा। अब जैसे सबसे पहले हम हेलो प्रिंट करना सिखाऊंगा। जैसे फिर मैंने लिखा प्रिंट हेलो। अब सिंपली हमें इसे रन कराने के लिए रन पे क्लिक करके रन मॉड्यूल पे क्लिक करना। आप चाहे तो F5 भी दबा सकते हैं। इसे रन करने के लिए सबसे पहले हमें इस फाइल को सेव करनी होगी। जैसे कि मैं अपने डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ पाइथन क्लासेस के नाम से। आप मतलब कहीं भी सेव कर सकते हैं, जैसे मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। जैसे आप देख रहे हैं आउटपुट स्क्रीन पे हेलो आ चुका है, हेलो प्रिंट हो चुका है। तो इसी तरह आप कुछ भी स्ट्रिंग को प्रिंट करा सकते हैं। सिंपली कुछ नहीं करना, रन पे क्लिक करके रन मॉड्यूल पे क्लिक करना है। आप चाहे F5 भी दबा सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम जो अगर हम मल्टीपल लाइन में लिखते हैं तो कौन सा इन्वर्टेड कोमा लगाएं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे सिंगल इन्वर्टेड कोमा लिखा मैंने, है ना, लगाया। अब हम मल्टीपल लाइन में लिखूँगा तो ये एरर बताएगा। आप देखो, सिंगल में तो एक लाइन में हो गया रन। अब मैं इसे मल्टीपल में लाइन में लिखूंगा और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ही लगाऊंगा। देखो, और ये मुझे एरर बताएगा। देखो ये आ गई ना एरर। तो हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से मल्टीपल लाइन में नहीं लिख सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 3 बार डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। और जैसे यहाँ देखो, मैं मल्टीपल लाइन में लिख सकता हूँ इसे। अब मैं इसे रन कराऊंगा। जैसे मैंने रन कराया, आप देख रहे हैं कि ये अलग अलग लाइन में प्रिंट हो चुका है, मल्टीपल लाइन में जिसे हम कहते हैं। अब इसके बाद इसे मैं काट देता हूँ। आप चाहे इसे सिंगल लाइन में भी प्रिंट करा सकते हैं। इसे मैं लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। अब F5 दबाया, आप सिंगल लाइन में भी प्रिंट करा सकते हैं। अब जैसे मैंने A=2 ले लिया, B=3। अब मैं आपको एडिशन का प्रोग्राम बताऊंगा, इसमें एडिशन कैसे करते हैं। प्रिंट में लिख दे A+B। अब मैं इसे रन कराऊंगा।
तो ये ऐड हो जाएंगे दोनों नंबर। देखिए 5 आ गया आंसर में, आउटपुट स्क्रीन पे 5 आ गया पाइथन की सेल पे। अब हम ऐसे माइनस का भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई का भी, डिवाइड का भी, ऐसे हम बना सकते हैं। अब हम मल्टीप्लाई का कराएंगे, देखिए आउटपुट 6 आ गया। अब हम डिवाइड कराएंगे, 0.6 आ गया। इसी तरह आप पाइथन में इजी से इजी प्रोग्राम बना सकते हैं। अब मैं आपको क्या सिखाऊंगा, पहले तो मैं ए और बी की वैल्यू खुद ही दे रहा था, अब मैं क्या करूंगा, ए और बी की वैल्यू यूज़र से मांगूंगा। अब इसके लिए हम लिखते हैं इनपुट और एंटर डी नंबर, ऐसे ए और बी में लिख लूँगा मैं। लिख दिया मैंने ए और बी में एंटर डी नंबर। अब ये जो हमसे वैल्यू लेगा ना, ये स्ट्रिंग में वैल्यू लेगा, स्ट्रिंग में, तो मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट ही स्ट्रिंग ही लेता है ना। अब हमें क्या करना है, हमें तो यूजर से इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करूँगा, इनपुट से पहले ब्रैकेट लगा के इंट लिखूँगा, इंट, क्योंकि इंटीजर नंबर चाहिए हमें, इसलिए मैं इंट लिखूँगा। ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया है, अब इंट लिखूंगा। मैं यहाँ से F5 बटन दबा के रन करा दूंगा। जैसे ये देख रहे हैं, ये इंटीजर में वैल्यू लेगा हमसे 3 और 5, देखो इनका ऐड करके 8 आ गया, इसने इंटीजर में वैल्यू ली। अगर मैं यहाँ से इंट हटा दूँ तो ये ऐड करने के जगह, क्योंकि ये तो स्ट्रिंग में वैल्यू लेगा हमसे, तो एक के बाद लगा देगा वो वैल्यू। अब आपको पहले रन करके दिखा दूँ तभी समझ में आएगा। देखिए जैसे मैंने इसे वैल्यू दी यहाँ पे, ये अब पास, देखो इसने 35 कर दिया ऐड की जगह, एक के बाद लगा दिया उसने अगला नंबर, क्योंकि इसने स्ट्रिंग में वैल्यू लिया है। मैंने आपसे कहा था ना कि जब तक इंटीजर नहीं लगाएंगे तो इंटीजर वैल्यू नहीं लेगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही स्ट्रिंग में वैल्यू लेता है, इसी वजह से ये एक के बाद आगे आया है। जैसे मैं क्या कहता हूँ, इसे दोबारा रन कराता हूँ, अगर मैं वेरिएबल भी दूंगा तब भी ये वही काम करेगा। वी आ गया, एक के बाद एक आ गया। अब मैं इसे वापस पहले जैसे कर देता हूँ। अब हम स्वैपिंग का प्रोग्राम बनाएंगे। इसमें पाइथन में स्वैपिंग करना बहुत आसान है, वो भी दो वेरिएबल से, ए कोमा बी हम बराबर कर देते हैं बी कोमा ए से। इसका मतलब है कि ए की वैल्यू बी हो जाएगी, मतलब जो बी की वैल्यू वो ए हो जाएगी, और जो ए की वैल्यू वो बी में चली जाएगी। ये स्वैपिंग करना पाइथन में बहुत ही आसान है। जैसे हम सी में करते थे तो हम टी इजिकल टू ए लेते थे, फिर ए इजिकल टू बी, फिर बी इजिकल टू टी लेते थे, तो हम इसमें तीन वेरिएबल में कर पाते थे। पाइथन में बहुत ही आसान है स्वैपिंग करना। अब एंटर नंबर लिखूंगा और यूज़र से वैल्यू लूंगा मैं, यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट ए कोमा बी। अब F5 दबा के रन कर देता हूँ। अब A की वैल्यू डाली 34, B की डाली 23। अब देखिए स्वैप हो गया, मैंने A की वैल्यू 34 डाली थी, अब क्या दिखा रहा है, A की वैल्यू 23, B की 23 डाली थी तो 34 दिखा रहा है। अब जैसे और आसानी से समझाने के लिए मैं एंटर नंबर की जगह ए इक्वल टू लिख देता हूँ।
रन कराता हूँ। जैसे ए की वैल्यू मांग रहा है, ए डाला 23, बी 45, हो गया स्वैप। 45 ए की जगह आ गया, ए की वैल्यू बन गया और 23 बी की वैल्यू बन गया। तो है ना ये स्वैपिंग करना इजी। तो ऐसे हम स्वैप कर सकते हैं और हम इसे मल्टीपल असाइनिंग भी कर सकते हैं। जैसे इसका मतलब है, जैसे मैंने ए कोमा बी की जगह मैंने 10,23 लगा दी, इसका मतलब है कि ए की वैल्यू 10 है, इनिशियलाइज कर दिया मैंने, ए इजिकल टू 10 और बी इजिकल टू 23। ऐसे हम मल्टीपल इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं ए बी सी डी के, मतलब ए की लाइन में लिख सकते हैं। जैसे हम सी में अलग अलग लिखते थे, ए इजिकल टू 10, बी इजिकल टू 23, सी इजिकल टू ये वो, इसमें हम एक ही लाइन में लिख सकते हैं जिसे हम कहते हैं मल्टीपल असाइनिंग। और जैसे मैं इसे प्रिंट करा के दिखाता हूँ, देखिए ये ए बी सी डी की वैल्यू आ गई। आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।